Hey, what is up, homies? It's your boy Hardik, and you're watching Logical Book of Subway. आज का सीन क्या मैं बताया था, आज मैं जा रहा हूँ अनमोल को पिक करने के लिए टोरंटो एयरपोर्ट से। उसका पहला दिन है टोरंटो में, और मैं बताया था अनमोल कौन है तुम जिनको नहीं पता, जिन्होंने मेरी इंस्टा स्टोरी नहीं देखी और जिन्होंने मेरे पहले के एमिटी के व्लॉग्स नहीं देखे। तो भाई अनमोल मेरी एमिटी की दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, हम साथ बैठते थे। और भाई उसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, उसने भाई बहुत तुम पहचान नहीं पाओगे उसको पहले के व्लॉग में रब में, क्योंकि उसने 32 kg लूज़ किया। तो भाई किसी को डाइटिंग टिप्स लेनी हो वो भी उससे ले सकते हो। बाकी हम दोनों ने फूड टेक्नोलॉजी साथ किया था, और सिर्फ मेरी वो दोस्ती है और बहन जैसी है, तो कोई फालतू कमेंट मत करना भाई। नीचे हम दोनों साथ बैठे थे थर्ड बेंच पे, फुल फुल मजे करे हैं एमिटी में, यू नो, बहुत ही सही सीन था। और उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फनी है और बहुत ज़्यादा यूनिक है, जब वो कनाडा कैसे आई और कैसे पहुंची तो उसके मुंह से ही सुनना। तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनियन स्टेशन और वहाँ पे उसे पिक करूंगा, एंड देन आई विल कम बैक और उसके साथ व्लॉग बनाऊंगा। सो सी यू गाइस, एंजॉय द सिनेमैटिक्स। स्टेप 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. बाकी अनमोल तू ये बता, पहला दिन कैसा रहा कनाडा में? और अभी हम सेंटिनल कॉलेज के पास में हैं। अगर किसी को दिख रहा हो तो, मैं नहीं दिख रहा तो ऐसे दिखा देता हूँ। तो कैसा था भाई आपका पहला दिन, ये बता। बहुत डिफरेंट है, बहुत कुछ सीखने को है। बेसिक तो वही जो सब लोग आके करते हैं, फोन नंबर लेते हैं, सिम नंबर लेते हैं, बैंक अकाउंट GIC एक्टिवेट कराते हैं। फिर उसके बाद जब तक जॉब ना मिले तो दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड और अभी हमें वहां पे सेंटिनल कॉलेज देख लो, अगर दिख नहीं रहा तुम्हें। ये रहा भाई सेंटिनल कॉलेज हमारा। और ये देखो, यहाँ की सबसे बढ़िया बात पता क्या लगती है मुझे, यहाँ पे जो भी कोई फायर वायर आती है ना, सारी कारें रुक जाती हैं। देखो सारी कारें साइड हो गई हैं। ये मेरे पीछे है सेंटिनल कॉलेज अपना, आज तो बंदा है यहाँ पे। तो आज मैं पता है बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अनमोल को घुमा रहा हूँ यहाँ पे आसपास के अपने एरिया, जहाँ पे मैं जहाँ पे रहा हूँ 2.5 साल 2.5-3 साल। तो मैं वो उसको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मैं घुमाऊँ, कहाँ कहाँ मैंने मजदूरी करी है। फिर इसको टोरंटो घुमाएंगे, और इसने पहले दिन आके क्या क्या किया था, वो कैसा लग रहा है अभी तक वैसे कनाडा? इट्स गुड, बढ़िया। या और किसी को ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो देखनी होगी तो मैं यहाँ लगा दूंगा अनमोल की। अभी हम आ चुके हैं ब्लफर्स पार्क। इसको ज़्यादा थोड़ा ब्लफर्स पार्क घुमा रहा था। बड़ा देखो नज़ारे देख रहे हो तुम ब्लफर्स पार्क के, बिल्कुल बढ़िया हो रहे हैं ऐसे अच्छे नहीं? हाँ यहाँ पे अच्छा है, बीच के नज़ारे बहुत सही थे। अभी हम एक कोई व्यू पॉइंट देख रहा हूँ मैं यार आगे जाके, यहाँ पे पूरे सब ने अपनी बोटे वोटे खड़ी कर रखी हैं। एक दिन तुम्हारा भाई भी लेगा जल्दी। बाकी अभी चल रहे, मज़ा आ रहा है अनमोल, मज़ा आ रहा था तेरे को फुल है फर्स्ट डे इन टोरंटो? मस्ट विजिट। हाँ आई ब्लफर्स पार्क तो यार स्काबरो में है, तो स्काबरो में कुछ ज़्यादा घूमने के लिए है नहीं। दो ही चीज़ें शायद, रूज नेशनल पार्क जो है वहाँ पे ट्रैक है एक छोटा सा, और बाकी ये उधर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ पे अमीर लोगों की पार्टी होती है। अभी उस साइड मत जा, अभी तू गरीब है, तू उधर है। वीडियो तो बना ही सकते हैं, वीडियो बना रहे हैं पर नीचे गिर जाएगी भाई। यहाँ भाई मधुमक्खी है, देखिए काट लेगी तो हो जाएगा काम। जाओ भाई वीडियो बना के, सही चल रहा है भाई। अभी अनमोल तुम्हें स्टोरी बताएगी कि अनमोल कनाडा कैसे आई थी, कि तू आके फिर गई क्यों? हाँ, ये बता। एग्जैक्टली सो मैं आई और मैं इनडायरेक्ट रूट से आई थी यहाँ पे। सो मेरे इनडायरेक्ट रूट में कुछ कुछ आई फेस सम पर्सनल एंग्जाइटी एंड स्टफ, एंड सम थिंग्स हैपेंड बैक इन माय फैमिली। मुझे एक फ्रॉड टिकट दिया। फ्रॉड भी हुआ था भाई। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। सो तेरा सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ मतलब? एग्जैक्टली, एथियाड एयरवेज डिडंट अलाउ मी टू बोर्ड द फ्लाइट। ओके, फिर मैंने आई डिडंट गिव अप, फिर मैंने फिर से थर्ड अटेम्प्ट किया और मैंने 10th में को टिकट बुक की। फिर आ गई, फिर किसी को बताया नहीं इसने, बट आ गई क्योंकि मेरे साथ कॉलेज में मेरे साथ बैठती थी भाई फुल। और तुमने फोटो वोटो देख ली होंगी, अभी मैंने तक डाल दी होंगी अभी तक।
तो वहाँ से अब तीसरे बार में आई है, अभी लंदन रह रही है और हाँ। अभी इसका स्कार्ब्रो में इसको मैं थोड़ा सा घुमा रहा था, क्योंकि भैया ने मेरे को दिए कहने ना ये स्कार्ब्रो में पहली चीज़ जो घुमाई थी, विंटर में आया था मैं तब तो ये घुमाया था जब पूरा ये लेक पूरा फ्रोजन हो रखा था, फ्रोजन लेक था ये। बट अभी तो देखो बंदे इंजॉय कर रहे हैं और ये मजे ले रही है, मजे है घर से दूर, फ्रेंड्स आर फैमिली। हाँ वही फाइंड समबडी लाइक हार्दिक। ओ भाई वो तो भाई ये ना देख रहे हो लड़कियां और लड़के जितने भी देख रहे हैं कमेंट कर देना मेरे हार्दिक भाई ओके पीस आउट भाई एंजॉय करो। सो यार गाइस दैट्स प्रीटी मच इट। और पता है आज का व्लॉग मैंने इसको बीच में ऐसे बंद क्यों कर दिया, क्यों बताता हूँ, क्योंकि अनमोल के वहाँ मैं लंदन भी गया था तो मैं उस लंदन का पूरा फैन शो का एक अच्छे से व्लॉग बनाऊंगा बैठ के। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ एंड में कि अनमोल फैन शो में पढ़ रही है अभी भी स्पेशली, तो फैन शो में एक फूड का कोर्स है, नया कोर्स है, तो अगर तुम्हें देखना तो तुम यू कैन लुक फॉर इट। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, जो मेरी लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है उसमें एक एक बंदा है अपनी फुटेज लेना चाहता है, उसको मेरा अटेंशन चाहिए बट मैं नहीं देने वाला, उसने पूरे बेसलेस चीज़ें बोली हैं अपने व्लॉग में एंड आई वॉन्ट टू नेम हिम बिकॉज वो बहुत ही गंदी शक्ल का है। और दूसरी चीज़ ये कि उसको इंग्लिश भी नहीं आती, मेरे को कह रहा था कि अनएजुकेटेड है भाई, तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, इंजीनियरिंग करिए विदाउट एनी बैक और इंग्लिश में मेरे तेरे से ज़्यादा स्कोर होंगे आईएलटीएस में भी और अपने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में भी, तो तेरे से ज़्यादा ही नॉलेज है मुझे और मैं पब्लिसिटी बोलता हूँ, पब्लिक सिटी नहीं बोलता, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोला चाहता। सो यार दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक इट। और भाई अगर तुम्हें लंदन का ब्लॉग देखना है अबाउट क्या कहते हैं लंदन की वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का और फैंशो कॉलेज का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैंने वीडियो बना रखी है बस उसको अच्छे से एडिट करना है। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में विस्लर का भी डालने वाला हूँ क्योंकि मैं विस्लर भी गया था। सो यार दैट्स प्रीटी मच इट गाइस और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और तुमने जो भी मेरे को अच्छी विशेज दी और जिन्होंने जो भी कुछ कहा, बिकॉज मैं अपनी कंट्री का हमेशा स्टैंड लूँगा एंड क्योंकि भाई जिस देश ने हमें बनाया है ना उस देश से हम कभी गद्दारी नहीं कर सकते और हमेशा देश के लिए ही बोलेंगे। और अगर तुम लोगों को ये लगता है कि किसी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे वो पीसफुल और अमन पसंद लोग थे तो वो नहीं थे। सो बस आज के लोग इतना ही, अब मैं इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। दैट्स प्रीटी मच इट, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, इफ यू डिड मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी वांट टू सी नेक्स्ट चैलेंज, स्टे ऑसम, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब लॉजिक बकवास, एंड भाई सपने देखो सपने जरूर पूरे होते हैं। बाय बाय, सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।